हाँ जी, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पर। जैसे कि सीटी का न्यू सिलेबस आया है और उसके अंदर क्या है, इकोनॉमिक्स एक न्यू पार्ट ऐड कर दिया गया है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। उससे रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि इकोनॉमिक्स कहाँ से प्रिपेयर करें, कहाँ से रेडी करें, या फिर कहाँ से उसके कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है, ऐसी कन्फ्यूज़न चल रही होगी आपके माइंड में। अब जो हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर आपको MCQs भी मिल जाएंगे। तो MCQs आपको बायलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे हमारे उस पर शिक्षा हब ऐप पर, ठीक है, और थ्योरेटिकल पोर्शन मैं आपको यहाँ पर कवर करवा दूँगी सारा का सारा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी होगा, ठीक है। आप यहाँ से बहुत अच्छे से अपनी इकोनॉमिक्स का टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में ना इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज़ होने वाली है कि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आया करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहला वर्ड आता है अपना इकोनॉमी। तो इकोनॉमी से आप क्या समझते हो? आप कहते हो ना कि इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, कनाडा की इकोनॉमी है, यूएसए की इकोनॉमी है। आप इकोनॉमी से क्या समझते हो? इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो, ठीक है, तो वो जानते हैं। इकोनॉमी, इट इज़ अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच पीपल गेट लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक्सचेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, अर्थव्यवस्था एक ऐसा साधन है, ठीक है, जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करते हैं, ज़रूरतों पर संतुष्टि पाते हैं। कहाँ से? प्रोडक्शन कर, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर, मतलब कि अलग अलग प्रकार की क्रिया कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं एक देश के अंदर लोग अपने। अब अपना इंडिया ही लगा लो, इंडिया के अंदर क्या है, लोग कितने कामों में जुड़े हुए हैं, है ना, कोई प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ है, तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़ा हुआ है, दुकानें खोल रखी हैं कईयों ने, ठीक है, कोई कंज्यूमर है, कोई सर्विस दे रहा है अपने को, है ना, तो वो सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमा रहे हैं ना, एक कंट्री के अंदर रह के, एक देश के अंदर रह के। तो वही क्या है, हमारी इकोनॉमी है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, रह रहे हैं अपनी सेटिस्फाई को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी वांट्स को, इच्छाओं को सेटिस्फाई करते हैं किस प्रोडक्शन प्रोसेस से, एक्सचेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। एक और डेफिनेशन जानते हैं हम इकोनॉमी की। इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम इन विच प्रोवाइड्स द मीन टू वर्क एंड पीपल अर्न अ लिविंग। ये एक वो साधन है जो क्या है, लोगों को काम करने का साधन प्रदान करता है, और जिससे लोग क्या है, अपनी रहन सहन या अपना लिविंग चलाते हैं, अपना काम चलाते हैं। तो इकोनॉमी आपको समझ आ गई होगी कि एक ऐसी जगह, ऐसे सिस्टम है, या ऐसी सर्कुलर मतलब सर्कल है एक, जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं अपना, और क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सारे सेक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, सारी प्रक्रियाएं इन्वॉल्व हो जाती है, कोई भी है, ठीक है, इकोनॉमिक तौर पे जो पैसा कमा रहा है तो वो हमारी इकोनॉमी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप। तो आज ये जो वीडियो है ना, आज वाली, इसके अंदर मैं ना आपको बेसिक टर्म्स पहले सारी वो करवाऊँगी जो कि अपनी आगे जो आप थ्योरी करेंगे ना उसके अंदर काम आएंगी, ठीक है। तो आज मैं आपको बेसिक टर्म्स करवा दूंगी कि आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, भी उन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। जब वो पूरा चैप्टर पढ़ा करोगे आप, तो उसके अंदर वो वर्ड्स आएंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होएगी, ठीक है। तो मैं वो करवा रही हूँ। तो इकोनॉमी आपको पता लगी इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? अब देखो, इकोनॉमी तो क्या थी, इकोनॉमी क्या, किसी कंट्री की इकोनॉमी की, लोग कैसे रह रहे हैं, अपनी प्रक्रिया कैसे कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, और वो क्या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट। अब इकोनॉमिक्स क्या है, ये क्या है, ये जस्ट सिर्फ सारा का सारा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मेकिंग चॉइसेस, चॉइस करना, चुनाव करना, इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी होता है कमी, कमी के होते हुए ऐसा चुनाव करना, और स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, और एक ह्यूमन का, एक मनुष्य का बिहेवियर जानना, किसके रिलेशनशिप में, रिसोर्सेज के रिलेशनशिप में, और ह्यूमन वांट्स के रिलेशनशिप में, आदमी की इच्छाओं के रिलेशनशिप में। जैसे कि
अब इकोनॉमिक्स इसके अंदर पूरे की पूरी क्या होती है, हमें पूरा का पूरा प्रोसेस पता चलता है कि एक आदमी है वो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल स्रोत हैं, उनके अंदर अपने उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उनसे वो अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करता है, ठीक है। तो ये हमें रिलेशनशिप बताता है। अब देखो, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि चॉइस चॉइस करनी पड़ती है प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी में। अब रिसोर्सेज थोड़े हैं, अपनी इच्छाएं ज़्यादा है, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, ये सारा का सारा हमें कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है। इसके अंदर आके आप डिमांड का चैप्टर पढ़ेंगे, सप्लाई के चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हम सब जानेंगे कि हमारे पास कितने पैसे हैं और हम अपनी कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, अपनी कितनी इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स यही सारी चीज़ें होते हैं जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ों का पता करते हैं कि कमी के होते हुए, स्रोतों की कमी के होने पर एक मनुष्य अपनी कितनी इच्छाएं पूरी कर लेता है, कितनी नहीं करता, या फिर वो कहाँ कहाँ अपना पैसा लगाकर अपनी अपनी जो उसको चीज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उपयोग करता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपनी जो टर्म आ जाती है वो होती है स्कैर्सिटी। अब पीछे आया स्कैर्सिटी वर्ड, अब आपको कन्फ्यूज़न हुई होगी। अब इसके अंदर स्कैर्सिटी का क्या मतलब है वो ही एक्सप्लेन करूँगी। स्कैर्सिटी का मतलब मैंने छोटा तो तुम्हें बता दिया आपको कि उसका मतलब होता है कमी, ठीक है। तो अब पूरा अच्छे से जानते हैं स्कैर्सिटी क्या होता है। इट रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ इट रेफर्स टू द, ठीक है, ये है, इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी। अब स्कैर्सिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। अब इस चीज़ की भी हो सकती है कि हमारे पास पैसे कम है, और इस चीज़ की भी हो सकती है कि हमारे पास पैसे तो हैं लेकिन वो चीज़ जो हमें चाहिए, जो हमारी इच्छा है जिस चीज़ की, वो कम है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, ये क्या है, लिमिटेशन होता है कमी बताती है सप्लाई की इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी, कि हमारी इच्छा है, जिस कॉमोडिटी को खरीदने की इच्छा है उसकी सप्लाई कम है, ठीक है। ये हमें बताता है कि जो स्रोत हम खरीदना चाहते हैं या जिस स्रोत से खरीदना चाहते हैं वो कम है, ठीक है। तो हम अपनी इच्छा, अपनी संतुष्टि कैसे करेंगे, ठीक है। स्कैर्सिटी बहुत बड़ी बाधा है इस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि कमी है। स्कैर्सिटी इज़ यूनिवर्सल, ये क्या है, सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, कहीं भी किसी चीज़ में भी हो सकती है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स फॉर इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आप कहते हैं ना कि बैलेंस सा बना के चलो, ठीक है, जो अपने स्रोत हैं भी, अपने पास पैसा भी कम ना हो, स्रोत भी कम ना हो, ठीक है। तो वही चीज़ है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमें क्या चीज़ बताती है कि हमें क्या करना है, इकोनोमाइज करना है किनको, रिसोर्सेज को। रेफर्स टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ऑप्टिमम क्या होता है, उत्तम उत्तम उपयोग करने, जो कि हमारे पास रिसोर्सेज बचे पड़े हैं ना। स्कैर्सिटी हमें यही सिखाता है कि हमें क्या करना है, जो हमारे पास उत्तम भी जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है ना, चलो थोड़े या ज़्यादा जितने भी हैं, उनको इतने उत्तम से तरीके से उपयोग करें कि हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाए, वो ख़त्म भी ना हो, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो ये चीज़ इस चीज़ इस आपको समझ आ गई होगी कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, ठीक है। भी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन हमें ये चीज़ इससे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि उस कमी के होने के बावजूद हम इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी प्रोसेस का उपयोग करके, कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उनका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे किसी भी प्रकार की किसी को हानि ना हो, ठीक है जी। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपनी टर्म क्या है, स्कैर्सिटी आपको पता चल गई, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट टर्म आ जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। स्कैर्सिटी पता चल गई, अब आपको इकोनॉमी पता चल गई, इकोनॉमिक्स पता चल गई, स्कैर्सिटी पता चल गई, ये तीन मेन मेन टर्म्स हैं अपनी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, अब आपको देखो इकोनॉमी की डेफिनेशन में आपने क्या देखा था कि रिलेशनशिप बताती है, सॉरी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में देखा था कि इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है, रिलेशनशिप बताती है कि हम अपने इकोनॉमिक भी जरूरतों को कैसा पूरा कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज के मुकाबले। तो स्कैर्सिटी उसमें सबसे बड़ी बाधा थी, मैंने आपको बताया कि कमी है। तो क्या क्या कमियां और कमियां क्या क्या है जो हमारे सबसे बड़ी इकोनॉमिक हमारी अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ लिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड सॉरी यहाँ पर आएगा अनलिमिटेड वांट्स आएगा यहाँ पर अनलिमिटेड
अनलिमिटेड वांट्स आएगा, क्योंकि हमारी क्या है इच्छाएं क्या होती है वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है किसके लिए, अपनी इच्छाओं को, अनगिनत इच्छाओं को पूरा करने के लिए, किस में से गिनित रिसोर्सों में से पूरा करने के लिए, और जिनके क्या हैं आगे अल्टरनेटिव यूज़ भी है। अल्टरनेटिव यूज़ भी हैं कैसे, तुम देख सकते हो, अब दूध है, अब दूध खरीदने आपने आपको 1 किलो दूध मिल सकता है सिर्फ, लेकिन आपकी इच्छा है कि आपको उससे खीर भी बनानी है, आपको उससे कस्टर्ड भी बनाना है, आपको उससे आइसक्रीम भी बनानी है, तो क्या हो गए, अल्टरनेटिव यूज़ हो गए ना, उस दूध से कुछ भी बन सकता है, अलग अलग प्रकार के यूज़ हो गए, ठीक है। तो लेकिन आपको मिलेगा वो 1 किलो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं में से चुनाव करना पड़ेगा कि आप उसकी खीर बनाओगे या उसका कस्टर्ड बनाओगे या उसकी आइसक्रीम बनाओगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी, अब ये दूध के मामले में ही अपने को घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप सोचो एक पूरी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी इंडियन की इकोनॉमी है, तो उसमें बड़े बड़े स्तरों पर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, बड़े बड़े लेवल्स पर ये दिक्कतें आ जाती है, तो तब हमें चुनाव करना पड़ता है, तो कितनी बड़ी चीज़ होगी ना वो, ठीक है। सो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे पास जो रिसोर्स है ना लिमिटेड है, लिमिटेड है मैंने बताया, कम है, और उसके आगे क्या है, अल्टरनेटिव यूजेज भी हैं, अलग अलग यूजेज भी हैं, लेकिन फिर भी अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं को कैसे पूरा करना चॉइस करके, ठीक है, चॉइस तो करनी ही पड़ती है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले अब तुम ये लगा लो कि एक एग्जांपल तुम्हें मैं और दे देती हूँ कि जैसे आपके पास 1000 रुपये हैं, आपको मन है कि आपको क्या करना है, जूते भी खरीदने हैं, आपका मन है आप कपड़े भी न्यू ले आओ, ठीक है, आपका मन है कि आप कहीं घूमने भी चले जाओ, आपका मन है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी बनाओ, कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ना आपके पास, 4 अल्टरनेटिव यूज़ है ना उस 1000 रुपये के, ठीक है। लेकिन कर क्या सकते हो आप, एक ही कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 1000 में ये तो है नहीं कि बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है, 1000 रुपये में या तो आप शूज़ खरीद सकते हो, या अगर आप शूज़ सस्ते ले लोगे तो थोड़े कपड़े खरीद लोगे, सब चारों के चारों इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती ना, इच्छाएं तो आपकी अनलिमिटेड है, इच्छाएं तो आप और बढ़ा सकते हो अपनी, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, चुनाव करना है, तो यही क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो इस प्रॉब्लम के 3 मेन कारक हैं, कौन कौन से, सबसे मेन कारक तो यही है कि क्या है, रिसोर्सेज की कमी है। अगर रिसोर्सेज की कमी ना हो तो क्या होगा, रिसोर्सेज अगर अपने पास पूरे हैं, अपने पास खुले पैसे हैं, जितने मर्जी उड़ाओ, तो आप क्या कर सकते हो, जितने मर्जी जूते खरीदो, जितने मर्जी कपड़े खरीदो, जितनी मर्जी आप क्या करो, घूमने जाओ, ठीक है। अगर कमी ही ना होगी तो हम चुनाव करने की दिक्कत आएगी नहीं हमें, ठीक है। तो आप स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज देख लिया, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ठीक है, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, कि आदमी मरता मर जाएगा लेकिन उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होगी। आप कहते हैं ना कि मरता मर जाता है लेकिन उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अगर ह्यूमन के अंदर इच्छाएं अनलिमिटेड होंगी नहीं तो वो क्या करेगा, तो उसको दिक्कत आएगी नहीं चुनाव की, ठीक है, अनलिमिटेड होंगी नहीं, उसको चुनाव की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर जैसे मैंने अभी 1000 रुपये का एग्जाम्पल बताया, अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है कि आप कपड़े खरीदो, आप जूते खरीदो, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, जस्ट आपके मन में ये है कि बस मुझे शूज़ खरीदने, आप जाओगे, जाके खरीद के ले आओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी चॉइस करने की, क्यों, क्योंकि आपके पास इच्छा और कोई इच्छा ही नहीं आपकी है कि इच्छा आपने वो पूरी कर ली, बात खत्म, ठीक है। वही चीज़ है ना कि मनुष्य की इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं लेकिन उसके पास स्रोत क्या होते हैं, कम होते हैं। अब तीसरी चीज़ क्या है, अल्टरनेट यूज़ है, अब वो 1000 रुपये के क्या है, आगे से यूज़ भी अल्टरनेट है, ठीक है, अलग अलग जगह पे भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है, दूध है उसके उपयोग भी अलग अलग हैं, ठीक है। अब 4 लोग हैं, 4 लोगों ने दूध लेना है, अब किसी ने तो उसकी खीर बनानी है, ठीक है, किसी ने उसका आप लगा लो कि पनीर बनाना है, किसी ने उसकी चाय के लिए चाहिए, तो हर आदमी को ये लगता है कि मेरे क्या है, मेरी इच्छा ज़्यादा ज़रूरी है, हर को ये लगता है, ठीक है। लेकिन क्या है, उन रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन उसकी उपयोग क्या है, अलग 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 है, तो आपको चुनाव करना पड़ेगा ना कि आपको क्या चीज़ किसके लिए उस दूध को खरीदना है, खीर के लिए खरीदना है, पनीर के लिए खरीदना है, या किसके लिए खरीदना है। मैं ये ना आपको एक बेसिक से हमारे जर्नल लाइफ में जो हमारे होते हैं ना एग्जांपल उदाहरण होते हैं, मैं आपको उससे समझा रही हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें उसी से ही अच्छे से समझ आएगी जब अगर हम, क्योंकि इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं ना तो टर्म्स आ जाती है बड़ी बड़ी थोड़ी, वो हमें क्या कर देती है, कन्फ्यूज़, जब हम उसको अपने लेवल में या ठीक है अपने तालमेल से जोड़ के या अपने जीवन से जोड़ के करेंगे तो हमें आसानी होगी उन चीज़ों को जानने की, ठीक है। तो MCQ लगा लो आपके क्वेश्चन में, MCQ कैसा आ सकता है आपके पेपर में, तो MCQ यही आ सकता है कि आपको क्या कर दिया जाएगा,
पोर्शन पूछ लिया जाएगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ये जो सब भी कारण कौन कौन से हैं, इनमें से कौन सा कारण नहीं है या इनमें से कौन सा कारण है। अगर नहीं है तो आपको ये तीन ऑप्शन दे के चौथा कोई और दे दिया जाएगा, तो आपको पता होगा कि ये इसके तो ये तीन थे मेन मेन, ठीक है। अगर ये या ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भी इनमें से कौन सा है, तो आपको इन तीनों में से एक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, एमसीक्यूज क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन सकते हैं इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आने वाले टाइम में इकोनॉमिक की सब इकोनॉमिक्स की जो परसेंटेज है ना पेपरों में बढ़ने वाली है, क्योंकि वो पहले पीसीएस लेवल पे स्टेट पीसीएस वगैरह में आता था, ठीक है, बड़े एग्जाम्स में वगैरह में आता, लेकिन अब वो सीटी के सिलेबस में भी दे दिया, इंक्लूड कर दिया। सो आप इसको ना स्टार्टिंग से ही अच्छे से रेडी कर लीजिए, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आप देखते हैं। अब मैंने उन्हीं टर्म्स को, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तीन मेन जड़ें थी ना, ठीक है, कारण थे ना, कौन से थे, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज थे, स्रोतों की कमी थी, दूसरा अपना क्या था, अनलिमिटेड ह्यूमन अमाउंट्स थी, तीसरा अपना क्या था, अल्टरनेटिव यूज थे। अब मैंने उन्हीं को आगे से क्या करा है, एक्सप्लेन करा है, ठीक है। सो देखते हैं, सबसे पहले आ जाती है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्रोतों की कमी, तो आगे जानते हैं क्या चीज़ है ये। रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू पीपल डिमांड एंड प्रोडक्शन ड्यू टू विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन ऑल द इकोनॉमिक्स। अब देखो रिसोर्सेज क्या हैं, वो लिमिटेड है, वो बहुत ही कम है, किसके रिलेशन में, हमारे लोगों की डिमांड में, ठीक है, एंड प्रोडक्शन, और जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है उसकी वजह से भी। अब यार कोई फैक्ट्री है, आप क्या कर रहे हो, आपको लगा लो कि एक एक शहर में लगा लो, एक शहर के अंदर कोई भी चीज़ बनी है, ठीक है, कुछ भी, कोई भी चीज़ लगा लो, कोई शूज़ बनाए, कोई कपड़ा बनाए, कुछ भी बनाए, बहुत बनाए, ठीक है। अब वो चीज़ है, अब वो जो फैक्ट्री है उसने सप्लाई करी, ठीक है, उसमें शहर में सप्लाई करती, अब सारे एक जने ने खरीदी, उसको पसंद आई, दूसरे ने खरीदी, तीसरे ने खरीदी, चौथे ने खरीदी, सब ने खरीदी, अब क्या है, 100 मतलब इतने जने खरीदने आ गए उस चीज़ को कि क्या हो गई, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन फैक्ट्री के पास क्या था, अभी इतना, ठीक है। अगर इन फ्यूचर तो वो कमा के बड़ा लेवल कर सकती थी, लेकिन फैक्ट्री क्या कर सकती थी, अपना क्या कर सकती है, नहीं अवेलेबल करा सकती उस चीज़ की सप्लाई, नहीं इतनी कर सकती जितनी लोगों की डिमांड है, तो उस वजह से क्या आएगा, सब वो कहेगी भाई डिमांड तो बहुत है, मैं क्या करूँ, अपना प्राइस ही बढ़ा देती हूँ, ठीक है। प्राइस उसने बढ़ा दिया, पहले वो 100-100 की मिलती थी, लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे, अब उसने उसका प्राइस कर दिया सीधा 500। आधे लोग तो ऐसे ही पीछे हट जाएंगे कि यह तो 500 की होगी, छोड़ देते हैं, क्या इच्छा है हमारे, नहीं हो रही पूरी, कोई बात नहीं। तो यही सारा सर्कल चलता है हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ डिमांड होती है कि फ़ायदा हर कोई इंसान अपना फ़ायदा देखता है, जैसे ही डिमांड बढ़ी तो फैक्ट्री वाले ने क्या कर दिया, उसका प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन तो वो अभी बढ़ा नहीं सकता एकदम से, लेकिन उस क्या कर सकता है, प्राइस बढ़ा सकता है, प्राइस बढ़ा सकता है, जिसने खरीदनी होगी वो खरीद लेगा, लेकिन जिसने नहीं खरीदनी है, जिसके बजट में नहीं रही, वो वापस पीछे हट जाएंगे, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन दिक्कत तो आ गई ना प्रोडक्शन की, लोगों की इच्छाएँ तो पूरी नहीं हुई ना, ठीक है, उनको चॉइस तो करनी पड़ी, उनको तो अपना वापस घर जाना पड़ा ना, उनकी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उनको चॉइस करनी पड़ी भी, ठीक है लेनी है तो लो, नहीं तो रहने दो, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, ठीक है। अब उनकी क्या थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी लेकिन वो चीज़ कम होगी थी, उनको उनके पास दो ही ऑप्शन बचे थे, या तो 500,000 रुपये भरो तो दो, या फिर चुपचाप अपनी इच्छाएँ छोड़ दो, ठीक है, यही ऑप्शन था उनके पास, ठीक है। स्कैर्सिटी इज यूनिवर्सल एंड अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज। अभी क्या है, यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है, ठीक है, सबके पास लगती है, चाहे कोई दादा चाचा बड़ा कुछ भी है, सबके सबको इस चीज़ की कमी आ सकती है, ठीक है। इंडिविजुअल एक लेवल पे, दो लेवल पे, एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक कंट्री पे, सब पे स्कैर्सिटी की दिक्कत आती है, हर किसी को, हर किसी की कोई ना कोई इच्छा होती है, ठीक है। जो गरीब आदमी उसकी थोड़ी कम इच्छा होगी, तो जो थोड़ा बड़ा उसकी थोड़ी और होएगी, थोड़ा बड़ा उसकी और होएगी। हालांकि अंबानी है ना, वो भी रात को कोई ना कोई इच्छा करके सोता होगा कि मेरी ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है, इच्छाएं खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो ये स्कैर्सिटी क्या है, सब पे अप्लाई होती है, ठीक है। अंबानी सोच, उसके पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी वो सोचता होगा कि मेरे पास कोई नूर हीरा आ जाए, लेकिन उसकी तो कमी है ना, वो नहीं खरीद सकता, ठीक है। अगर वो खरीद भी सकता होगा तो वो खरीद नहीं पाएगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है उस चीज़ का, तो कमी तो है ना उसको इस चीज़ की, वो अपनी वो वाली इच्छा पूरी नहीं कर सकता, ठीक है। आगे क्या है, इफ़ रिसोर्सेज आर नॉट स्केयर देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये तो सीधी सी बात है, ठीक है, अगर हमारे स्रोत क्या हैं,
स्केयर नहीं होंगे, मतलब कम नहीं होंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमारे देश में। दिक्कत कैसे आ जाएगी फिर, रिसोर्सेज फुल हैं, ठीक है। वो फैक्ट्री वाली बात मैंने आपको बताई थी, जितने लोग जा रहे हैं वो उतनों को सप्लाई करी जा रही है, जितने जा रहे हैं उतनों को करी जा रही है। फैक्ट्री खुश, लोग खुश, सबकी इच्छाएँ पूरी हो रही है, सब खुश, कोई दिक्कत नहीं है। सारे मालूम फैक्ट्री वाले मालूमाल हो रहे हैं और लोग अपनी इच्छाएँ पूरी करके अपना खुश हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हमारे रिसोर्सेज केयर ना आएंगे। दिक्कत ही तब आती है जब हमारे रिसोर्सेज कम है, लोगों की इच्छाएँ ज़्यादा है, ठीक है। तो दिक्कत ही सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही तब आती है हमें, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। सो नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं अपनी कौन सी है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ठीक है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर आएगा, सॉरी, नॉलेज आएगा यहाँ पे, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, KNOW होगा, ठीक है, आएगा। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको जो बाबे वे होंगे ना वो भी दे रहे होंगे, ठीक है, उपदेश देते होंगे कि इच्छाओं को ख़त्म करो, इच्छाओं को ख़त्म करो, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होती है, ये क्या होती है, बढ़ती जाती है। सो यही चीज़ इस लाइन में लिखी है कि ह्यूमन वांट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो, इच्छा है अपनी, ठीक है, आज अपनी इच्छा है, जैसे जैसे आप बड़े होंगे अपने को नॉलेज आएगी, ठीक है, अपने पास एजुकेशन आएगी, अपने पास पैसा ज़्यादा आएगा, अपनी इच्छा क्या होगी, बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। हम देखो, पहले आप अनपढ़ थे, लेकिन अब आप पढ़े लिखे हो गए, अब अपने आप क्या करते हैं, छोटे बच्चे पहले होते थे, अब देखो तुम, पहले छोटे बच्चे, ठीक है, डोमस की दो रुपये वाली पेंसिल से पढ़ लेते थे, लेकिन क्या है, अब उनको नॉलेज आ गई, उनको पता लग गया कि सिक्के वाली पेंसिल भी आती है, तो वो उसकी डिमांड करते हैं, ठीक है। इच्छाएँ उनकी बढ़ रही है ना, तो यही चीज़ है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, ठीक है, हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, पहले हम क्या है, फ़ोन पे काम कर लेते थे, अपने आगे एजुकेशन बढ़ रही है, अब हमें लैपटॉप की ज़रूरत भी है, टैब की ज़रूरत भी है, तो इच्छाएं बढ़ गई अपनी, ठीक है। नॉलेज है, नॉलेज से भी अपनी अपने को पता लग गया भी, हाँ भाई ये चीज़ वहाँ है तो ये मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज से हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, उससे भी कुछ चीज़ों को आप डिमांड करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ है, पहले अपनी इनकम 10,000 थी, अब अपनी 20 होगी, तो आप क्या करेंगे, पहले आप फिल्म देखने नहीं जाते थे, अब क्या करेंगे, आप जाएंगे, क्योंकि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, अपनी इच्छा बढ़ गई उस चीज़ की। तो यही सबसे बड़ा फैक्ट है ह्यूमन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट का, कि जो ह्यूमन वांट है ना, ये समय के साथ, एजुकेशन के साथ, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति बढ़ने के साथ क्या है, ये बढ़ती है, ठीक है। ये चीज़ आपका MCQ बन के आ सकता है कि जो ह्यूमन वांट्स हैं, क्या वो कैसे, कि वो एजुकेशन के साथ, नॉलेज के साथ, इकोनॉमिक के साथ बढ़ती है या घटती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो आपको पता होगा, इससे आपको एक्सप्लेन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है, एवरी इंडिविजुअल वांट्स आर मोर एज कम्पेयर्ड इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टू अदर्स, ड्यू टू विच पीपल एलोकेट रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट। अब ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, हर इंडिविजुअल, हर आदमी ये सोचता है कि जो उसकी इच्छा है ना, वो बहुत ज़्यादा दूसरे के मुकाबले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो क्या जाता है कि मेरी इच्छा पूरी हो, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। एलोकेट होता है लगाना, किसी उत्तम जगह पर अपने रिसोर्सेज को लगाते हैं, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट्स, ताकि उनकी कुछ एक इच्छा तो पूरी हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हर आदमी के अंदर यही चीज़ होती है कि उसकी इच्छा ज़्यादा पूरी हो, वो ज़्यादा उत्तेजित होता है, और जो होता है मीन्स उत्तेजित होता है बहुत ज़्यादा, कि मेरी इच्छा ज़्यादा जरूरी है, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जिस वजह से वो क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को लगाना शुरू करते हैं, मैं यहाँ फटाफट पैसे लगा दूँ, मैं ये चीज़ ले लूँ, कहीं और ना कोई ले जाए, ठीक है, और अपनी इच्छा को पूरी कर लूँ, ठीक है जी। सो नेक्स्ट देखते हैं अपना, तीसरा था अल्टरनेटिव यूज़, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि अल्टरनेटिव क्या होता है, ठीक है। An alternative use implies that resources can be applied and used for alternative purpose. Alternative use का मतलब है कि जो हमारे स्रोत हैं उनको किसी भी जगह में लगा दिया जा सकता है, ठीक है, और उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूज़ है। एक सिलाई मशीन है, उसको आप एक बुटीक पे लगाओ या उसको आप घर पे लगा लो, एक ही आपके पास, चाहे उसको बुटीक पे लगाओ, चाहे उसको घर पे लगाओ, चाहे सिलाई सेंटर में दो, ठीक है। अल्टरनेटिव कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो उस मशीन को, ठीक है, उसके अल्टरनेटिव यूज़ है ना, लेकिन कर एक जगह सकते हो, तो क्या होगी, आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि यार आपको देखना पड़ेगा, ये भी बुटीक में लगाने में ज़्यादा फ़ायदा है कि सिलाई सेंटर में लगाने में ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, अपनी मशीन को, या घर पर सिलने में ज़्यादा फ़ायदा है, तो आपको सोचना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी, ठीक है। और यूज्ड फॉर अल्टरनेटिव, यूज़ भी अलग अलग पर्पज़ के लिए हो सकते हैं ना,
ठीक है। अब वही दूध वाली बात मैंने आपको बताई, दूध के अलग अलग प्रकार के यूज़ हैं। एक ब्रेड है, ब्रेड का आप पकौड़े बना लो कोई, ठीक है। आप चाहे वैसे जस्ट ब्रेकफास्ट में ले सकते हो आप, ठीक है। अल्टरनेटिव यूजेस है, लेकिन आपके पास पैकेट एक आया तो आप क्या करते हो, घर में भी ये चीज़ होती है ना, आप कहते हो कि या तो इसके ये बना लो, मम्मी कह देते हैं या पकौड़े बना लो, या फिर आप उसको खा लो ब्रेकफास्ट में सूखे, वैसे नॉर्मल खा लो, ठीक है। तो क्या है, चॉइस वाली दिक्कत तो हमारे नॉर्मल लाइफ से लेकर हमारे बड़े लेवल तक, एक बड़ी कंट्री के लेवल तक भी आती रहती है हमारे देश के अंदर, ठीक है। अब हमारे देश में सरकार बजट बनाती है, सरकार के जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार कोई कह देती है कि आपको हम इतना पैसा दे देंगे। अब राज्य सरकार क्या करती है, इकोनॉमी में आपको बड़े लेवल पे समझाती हूँ, राज्य सरकार क्या करती है, सोचती है कि ये पैसा है ये मुझे कृषि सेक्टर में लगाना है, औद्योगिक सेक्टर में लगाना है, या सर्विस सेक्टर में लगाना है, या एजुकेशन में कितना लगाना है। अब अंधाधुंध तो लगा नहीं सकते, अगर वो अंधाधुंध लगाएं, उनके पास रिसोर्सेज पूरे हों, पैसा पूरा हो, तो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर भी अच्छा ग्रोथ हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत रहेंगी नहीं। लेकिन दिक्कत ही है क्यों, रिसोर्सेज कम है, इच्छाएँ ज़्यादा है, और उनके क्या हैं, अल्टरनेटिव यूज़ है। यही तीन मेन कारण हैं जो हमारे देश में या हमारे जनरल लाइफ में भी क्या कर देते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। सो आपको मुझे होप है कि आपको बहुत अच्छी से समझ आ गई होंगी बेसिक सी टर्म्स जो हमारे इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि आपको हिंदी में भी कंटेंट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको अपने पर्सनल बताऊँ ना, पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, तो आप इकोनॉमिक्स को क्या इंग्लिश में समझना, मतलब देखो इससे दो बेनिफिट होंगे, क्योंकि हिंदी में ना थोड़ी इसकी लैंग्वेज क्या होती है, बहुत थोड़ी टफ होती है, ठीक है, टफ हो जाती है, आपको समझने में दिक्कत आती है। दूसरी क्या है, हिंदी में शब्द आपको बहुत अजीब से लगेंगे, ठीक है, तो इससे भी दिक्कत आएगी। इससे क्या, इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपकी क्या है, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। अब आप खुद ही देख सकते हो, एक बोलना अर्थव्यवस्था, एक बोलना इकोनॉमिक्स, तो काफ़ी वो है ना, तो आसानी हमें क्या है, इंग्लिश पढ़ने में ही होगी, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज होती है ना, थोड़ी सी टिपिकल सी होती है, अजीब अजीब से वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, तो अपने को दिक्कत आएगी। तो मैं इसलिए मैं तो ये कह रही हूँ कि आप इंग्लिश में कर लीजिए, लेकिन जो आपको MCQ है ना, वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, और वो हमारे ऐप शिक्षा हब ऐप पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हो, आप अभी से अपना इकोनॉमिक्स में बेस बनाना शुरू कर दो, तो ताकि ये सब्जेक्ट है जो आपका अच्छे से आपका रेडी हो जाए। तो आगे आपको अब डेली आपको मिलती रहेंगी इकोनॉमिक्स की वीडियोस। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट करें, ताकि हम क्या है आगे भी और वीडियो लेके आएँ और आपका ये सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करवा दें, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।